मंदिर हासोद के पिपरहट्टा गांव में एक युवक की अधजली लाश मिली है। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर अधजली स्कूटी भी मिली है। मौके पर पहुंची टीम ने युवक की हत्या करके शव को जलाए जाने की आशंका जताई। युवक की पहचान छिपाने के लिए शव के साथ गाड़ी को भी जलाया गया है। वहीं मृतक युवक की पहचान विधानसभा थाना क्षेत्र के ग्राम चटोद में रहने वाले किशन गिलहरे के रूप में हुई है। से उसको प्रहार किया गया है, उसके शरीर में कई चोट के निशान है और हत्या किलर है। और अभी तक जांच में आया है कि डायरेक्ट कोई जो है देखा नहीं गया है, चश्मदीद कोई गवाह नहीं है। जो लास्ट बार देखा गया है पूनम सिंह ठाकुर के साथ, उसको संदेह के आधार पर पूछताछ हेतु थाना तलब किया गया है। मंदिर रसोहत के पिपरहट्टा गांव में एक युवक की अधजली लाश मिलने का मामला सामने आया है। युवक की पहचान हरीश गिलहरे चटौद के रूप में हुई है। ये वही जगह है जहां पर युवक की लाश मिली थी। हालांकि मौके पर पहुंची साइबर और पुलिस की टीम ने लाश को उठा लिया है और वहां पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके अलावा कुछ ही दूरी पर जो मृतक का बाइक है वो अधजली रूप में मिला है। वहां पर पुलिस की टीम जांच के लिए गई है। मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वो विधानसभा इलाके के चटौत का रहने वाला था और मंदिर रसौत के जोगेश्वर गांव अपने मामा के यहाँ रहने आया था। वो अपने स्तर पर युवक की तलाश कर रहे थे लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। आज सुबह जो पीपरहट्टा गांव के लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद ये पता चला कि युवक की यहाँ पर हत्या की गई है। पुलिस भी ये आशंका जता रही है कि युवक की हत्या की गई है, उसको हत्या के बाद जलाया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि युवक की किस तरीके से हत्या यहाँ पर की गई थी और क्या वजह इसमें निकलकर सामने आती है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।